तो दोस्तों मैं हूं आपका ऑटो एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आज की जो हमारी वीडियो है टीवीएस स्पोर्ट्स। तो आज हम जो हम अब डिस्कस करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं टीवीएस स्पोर्ट्स के बारे में। और अभी आप लोगों को हाल फिलहाल में जितनी भी वीडियोज मिलेंगी वो टीवीएस स्पोर्ट्स के ऊपर ही मिलने वाली है। तो ये जो मोटरसाइकिल है ये हम लोग अब क्या कर रहे हैं, अब हम अपने हमारी टीम में ये इस चीज़ पर काम कर रहे हैं कि अब हम ऐसी मोटरसाइकिल्स के बारे में आप लोगों को बताएंगे जो देगी हमें बेस्ट माइलेज। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले बात करिए तो टीवीएस स्पोर्ट्स की, तो ये जो बाइक है ये आपको दो वेरिएंट में आपको अवेलेबल मिलती है, जिसके अंदर आपको मिलता है सेल्फ स्टार्ट अलॉय व्हील्स न्यू, और जो सेकंड वेरिएंट मिलता है वो मिलता है सेल्फ स्टार्ट अलॉय व्हील्स। ठीक है, तो देखते हैं, शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को कि इसमें से कौन सी जो है, मतलब ये जो बाइक है ये एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होती है या फिर ये नहीं होती, या फिर हमें इसके अलावा कोई और दूसरी बाइक को परचेस करना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले बात की जाए तो टीवीएस स्पोर्ट्स के अंदर अब जो इंजन आप लोगों को मिल रहा है वो मिल रहा है 109.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक FI एयर कूल्ड इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो आपको ये निकाल के देगी वो निकाल के देगी 8.29 PS एट 7,350 RPM, और जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगी वो निकालेगी 8.7 न्यूटन मीटर एट 4,500 RPM। BS6 कंप्लेंट 2 का इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। यहीं पे अगर मैं देखो दोस्तों पावर की बात करी जाए ना, तो पावर और जो टॉर्क आपको इस बाइक में मिल रही है वो आपको काफ़ी डिसेंट सी पावर एंड टॉर्क मिल रही है। तो इसमें क्या है, क्योंकि देखो ये एक जो मोटरसाइकिल है ये एक 109 सीसी की मोटरसाइकिल है, तो आपको इस हिसाब से क्या है कि पावर परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिल रही है। बोर की अगर मैं बात करूँ तो 53 mm का बोर मिलेगा, और स्ट्रोक जो मिलेगा 48.8 mm का स्ट्रोक आपको इस मोटरसाइकिल में मिल जाएगा। सिंगल सिलेंडर की बाइक होने वाली है, इसके अंदर आपको चैन ड्राइव मिलेगी और टू वॉल का इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ECU इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट आपको इसमें मिल जाएगी। फ्रंट में आपको ड्रम ब्रेक और रियल में भी आपको ड्रम ब्रेक का ही आपको इसमें मिलेगा, डिस्क में ये जो बाइक है ये अवेलेबल अभी नहीं है मार्केट में। सेंट्रीग्रेटिव ब्रेकिंग सिस्टम आपको इसमें मिल जाएगी, जैसे अगर आप अपना रियल ब्रेक प्रेस करोगे तो फ्रंट ब्रेक भी आपका ऑटोमेटिकली ही वर्क करेगा। यहाँ पर दोस्तों अगर मैं बात करूँ इस बाइक के टायर्स के बारे में, तो इसके अंदर आपको जो फ्रंट टायर मिलेगा वो 2.75 का आपको फ्रंट टायर मिलेगा 70 के अलॉय व्हील्स के साथ, और जो रियल टायर मिलेगा 3.070 जिसके अलॉय व्हील्स के साथ मिल जाएगा। यानी टायर्स का जो अगर मैं साइज़ की बात करूँ ना, तो बाइक के अकॉर्डिंग टायर्स का साइज़ काफ़ी अच्छा आपको लगेगा। ये नहीं है कि आपको टायर देख के ऐसा लगेगा कि बाइक में टायर पतले हैं या मोटे हैं, मतलब नॉर्मल से आपको टायर मिल जाएंगे, ट्यूब टायर आपको इसमें मिलेंगे। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो रियल में आपको रेडियल टायर मिल जाएगा। व्हील बेस जो मिलेगा वो मिलेगा आपको इसके अंदर 2,236 mm का व्हील बेस मिलेगा, और जो लेंथ मिलेगी वो मिलेगी 1,950 mm की लेंथ आपको इस बाइक में मिल जाएगी। ग्राउंड क्लियरेंस आप लोगों को काफ़ी अच्छी इसमें मिलेगी, 175 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी। तो दोस्तों देखो अगर आप इस बाइक को ऑफ रोडिंग वगैरह के लिए लेना चाहते हो तो काफ़ी अच्छी रहेगी। ऑफ रोडिंग वगैरह करने के लिए आपको चाहिए एक बाइक, तो यहाँ पर आप इससे काफ़ी अच्छी ऑफ रोडिंग कर पाओगे, क्योंकि देखो ये कंप्यूटर सेगमेंट की मोटरसाइकिल्स होती है तो कंपनी ना इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें देती है, और भाई उसमें एक ग्राउंड क्लियरेंस भी है वो काफ़ी अच्छा है। हाइट की अगर मैं बात करता हूँ 1,080 mm की हाइट आपको इसमें मिल जाएगी, और ब्रेथ की बात करूँ तो 705 mm की ब्रेथ आपको इस बाइक में मिल जाएगी। पेट्रोल टैंक की अगर मैं बात करूँ तो 10 लीटर्स का पेट्रोल टैंक आपको इसमें मिल जाएगा, अगर हम 2 लीटर्स माइनस कर देते हैं बिकॉज ऑफ FI तो 8 लीटर्स का पेट्रोल टैंक आपको इसमें मिल जाएगा। इस बाइक का जो कर्व वेट मिलेगा वो आपको 112 kg का कर्व वेट मिल जाएगा। अगर मैं दोस्तों इस बाइक की माइलेज की बात करूँ ना, तो अगर आप लोग इस बाइक को 40 से 60 की स्पीड पर चलाते हो, ईको स्पीड पर चलाते हो ना, तो दोस्तों बहुत आराम से 72 तक का भी माइलेज आपको ये जो बाइक है ये निकाल के देती है। माइलेज के अकॉर्डिंग पर्सनली मेरे पास इसकी स्टार सिटी है, और अब जो है स्टार सिटी के वाला ही इंजन स्पोर्ट्स में आपको मिल रहा है, तो माइलेज भाई मेरे पास भी जो है ना वो मुझे बहुत आराम से, मेरी तो देखो कार्बोरेटर वाली है तो वो मुझे 66 का माइलेज निकाल के देती है। तो भाई अब FI है तो यार माइलेज तो आपको और भी ज़्यादा मिल जाएगा। हैलोजन बल्ब वाली आपको इसके अंदर टेल लाइट मिलेगी, फ्रंट हेडलाइट भी आपको हैलोजन मिल जाएगी इसमें, और फ्रंट में जो इसके अंदर DRL देखे वो LED दे रखे, और मुझे पर्सनली इसके LED जो फ्रंट में इसके अंदर LED DRL दे रखे ना, ये मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं। फ्रंट ड्रम ब्रेक की अगर मैं बात करूँ तो 130 mm का फ्रंट ड्रम ब्रेक मिलेगा, और जो रियल ड्रम ब्रेक मिलेगा वो 110 mm का रियल ड्रम ब्रेक आपको इसमें मिल जाएगा। हैलोजन बल्ब वाले आपको इसके अंदर ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाएंगे, ETFI टेक्नोलॉजी इसमें आपको मिलेगी। तो दोस्तों देखो ये जो एक बाइक है ना, तो चलो इससे पहले हम प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं आपके लिए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका जो एक्चुअल प्राइस पड़ेगा जो फर्स्ट वेरिएंट है
उसका जो आपको एक्सट्रीम प्राइस पड़ेगा वो पड़ेगा 59,431 रुपीज़ का, और जो आरटीओ जाएगा वो जाएगा 3,565 रुपीज़ का, इंश्योरेंस जो होगा वो होगा 5,676 रुपीज़ का, ऑन रोड जो ये बाइक जाएगी वो जाएगी आपकी 68,672 रुपीज़ की। यहीं पे अगर मैं इसकी सेकंड वेरिएंट जो कि इसका टॉप वेरिएंट की मैं बात करता हूँ, इसका जो एक्सट्रीम प्राइस पड़ेगा वो पड़ेगा 70,773 रुपीज़ का, आरटीओ जो जाएगा वो जाएगा 5,661 रुपीज़ का, इंश्योरेंस जो होगा 5,892 रुपीज़ का, ऑन रोड जो ये बाइक जाएगी वो जाएगी आपकी 82,326 रुपीज़ की। तो दोस्तों देखा जाए ना तो कुल मिला के इसका 82,326 रुपीज़ में ये जो बाइक है ना ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। अगर देखा जाए कि आप लोगों को ऐसी बाइक को परचेज़ करना है जो आपको डेली यूज़ के लिए एक मोटरसाइकिल चाहिए, ठीक है, जिससे आप लोगों को माइलेज बहुत अच्छा चाहिए, जिसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस आपको काफ़ी अच्छा चाहिए, और देखने में ये बाइक काफ़ी अच्छी भी लगती है, ठीक है, अदर्स के मुकाबले में बात करें तो टीवीएस स्पोर्ट्स का ना मुझे लुक भी बहुत अच्छा लगता है जिस हिसाब से इस बाइक का लुक है। और पर्सनली अगर देखा जाए तो भाई जिसका ब्लैक कलर आता है ना वो तो भाई वन ऑफ द फेवरेट ब्लैक कलर इसमें मेरे को बहुत अच्छा लगा था। जब मैंने आपने मेरी एक लास्ट टाइम मेरे एक फ्रेंड ने ली थी तो मैंने इसको एक रिव्यू भी किया था, तो उसमें भाई जब मैंने इसका लुक देखा ना ब्लैक कलर भाई बहुत ही प्यारा ब्लैक कलर, फुली कहते हैं ना रॉयल ब्लैक वाला ब्लैक कलर, बिल्कुल एकदम शाइनिंग बहुत प्यारी है इस बाइक की उसमें। तो दोस्तों ओवरऑल देखा जाए ना तो ये जो मोटरसाइकिल है ना ये उन लोगों के लिए मोटरसाइकिल बनी है जो लोग डेली यूज़ के लिए एक मोटरसाइकिल चाहिए, जिन लोगों को चाहिए कि हाँ भाई डेली यूज़ के लिए हमें एक बाइक चाहिए और हमें क्या है हमें काफ़ी अच्छा माइलेज चाहिए, माइलेज के अकॉर्डिंग देखा जाए ना और अच्छी पावर भी मिल जाती है, इसमें अच्छा टॉर्क भी आपको मिल जाता है, ठीक है, तो 110cc के हिसाब से ना आपको इसमें पावर और टॉर्क अच्छा खासा मिल जाता है, तो उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। और अगर दोस्तों देखा जाए ना तो ये बाइक जो है ना ये उन लोगों को ज़्यादा पसंद आती है जो लोग लाइक फील्ड वगैरह में काम करते हैं, जिनका जो रनिंग जो लंबी रहती है, लंबी रनिंग वाले इस बाइक को ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो बॉडी पॉस्चर है जब हम इस बाइक को चलाते हैं तो भाई बिल्कुल कंफर्टेबल होकर चलाया, अगर आपकी हाइट लंबी भी है ना, मान के चलो जैसे मेरी 5.8 मेरी हाइट है, तो उस हिसाब से जब मैं भी खुद इस बाइक को चलाऊँ, क्योंकि मेरे पास है, मैं खुद भाई इस बाइक से सीखा हूँ, मेरे पास स्टार सिटी है, मैं भी खुद उससे सीखा हूँ, लेकिन वो बात अलग है कि मैं हमेशा जब भी सीखा मैं गिरा ही हूँ उस बाइक से मैं चीज़ें चलाता नहीं हूँ, मैं अभी भी उसे चलाऊंगा ना तो मैं भाई फिसलना मेरा ही है, तो मैं उसको चलाता ही नहीं उस बाइक को मेरे पास भी जो है। लेकिन यह है कि भाई बाइक जो है ना बहुत ही अच्छी मोटरसाइकिल है, बाइक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको एक देखो जिस प्राइस रेंज के हिसाब से आ रही है उस हिसाब से बहुत वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट आपको इसमें मिलेगा। तो दोस्तों आप लोगों को आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि इस बाइक में ऐसा क्या क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों जिन लोगों को बाइक की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। अब हम क्या है थोड़ा सा हम अपनी बात कर लेते हैं, ठीक है, तो पहले मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, फिर देन कंटिन्यू में ही हम इसके आगे की मैं बात करता हूँ। तो दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देख लें दो चार आठ करोड़ से मॉडिफाई बाइक को जो सब्सक्राइब करना, तो ओके। अब बात करते हैं दोस्तों कि अभी हम लोग क्या है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग क्या है एक ग्रुप राइड करने का हमारा प्लान बन रहा है, और उसके जो मोटो व्लॉग होगा, जो मेरे से बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई आपका मोटो व्लॉग जो होता है वो शूट करते हो वो कहाँ कहाँ आप अपलोड करते हो, तो दोस्तों देखो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं करता हूँ मौज ऐप पे अपलोड करता हूँ मैं, और मौज ऐप के अंदर मैंने स्पेशली मैं सिर्फ मोटो व्लॉगिंग ही उसके अंदर मैं डालता हूँ। मौज ऐप का मेरा अगर आप जाते हो तो मौज ऐप पर आप ऐप को इंस्टॉल करोगे और वहाँ पर वैसे होगा कॉमन ऐप है हर किसी के फ़ोन में होता है, ठीक है, तो उसमें आप जो मेरे अकाउंट का नाम जो आपको मिलेगा वो मिलेगा मॉडिफाई बाइकर्स नाम से, तो मॉडिफाई बाइकर्स में ही मैं अपने सारे मोटो व्लॉग जो होते हैं जो डेली ऑब्जर्वेशन की मैं वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ वो सारी की सारी चीज़ें मेरी मौज ऐप पर ही मैं अपलोड करता हूँ। और वहाँ पर अगर देखा जाए तो दोस्तों हाल फिलहाल में भी 30,000 फॉलोअर्स भी जो है वो हमारे कंप्लीट होने वाले हैं मेरे हिसाब से, आई थिंक जब तक ये वीडियो आपके पास आएगी तब तक 30,000 हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। और अभी मैं बहुत जल्दी जैसे अपने फॉलोअर्स वगैरह हो गए या हमारे सब्सक्राइबर्स वगैरह हो गए हैं तो उनके साथ मैं एक राइड करने का भी प्लान बना रहा हूँ, तो आप लोग ज़रूर बताना जो जो लोग इंटरेस्टेड हैं हमारे साथ राइड करने के लिए, तो उन लोगों के साथ हम लोग ग्रुप राइड करेंगे, ठीक है। और ग्रुप राइड में मैं आप लोगों को एक कंडीशन बता देता हूँ, बाइक आपके पास कोई भी हो, बाइक हो स्कूटी हो कुछ भी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हायर सीसी लोअर से लोअर सीसी की बाइक हो आपके पास, ठीक है, वो भी एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि पर्सनली मैं भी जो हूँ मैं भी भाई इकोनॉमिक स्पीड पे ही बाइक चलाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बस आपके पास अगर हम जैसे ग्रुप राइड करेंगे तो उसमें आप लोगों के पास ये है कि आपके पास हेलमेट होना चाहिए, अगर आप पिलियन को लाना चाहते हैं पिलियन के पास भी हेलमेट होना चाहिए, और जो राइडर है उसके हाथ में ग्लव्स होनी चाहिए। ग्लव्स मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बहुत भारी भरकम ग्लव्स लेने हैं, नॉर्मल से ग्लव्स भी आपको आपके पास होने चाहिए, कि ग्लव्स आपके पास होने ज़रूर चाहिए। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपके पास शूज़ होने चाहिए, शूज़ आप कोई भी शूज़ जो है नॉर्मली आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कोई इशू वाली कोई दिक्कत वाला वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, शूज़ आप कोई भी यूज़ वगैरह कर सकते हो, ठीक है।
और हम लोग राइड वगैरह जो भी है वो हम करेंगे, जो कि जैसे अभी तो क्या मैं इंडिविजुअली मोटो व्लॉग कर रहा हूँ, अब मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग ना एक ग्रुप बन जाते हैं और ग्रुप बन के हम लोग एक राइड वगैरह जो है वो हम करेंगे। तो आई होप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देख ले। मैं दो चार से मॉडिफाई कर दो, सब्सक्राइब करना। तो ओके बाय।